मोहसिन नकवी ने पीसीबी का चार्ज संभालते हुए बड़े बड़े धमाके कर दिए हैं। मोहम्मद हफीज की सीट जो है खतरे में पड़ गई है, शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी भी खतरे में पड़ गई है, और बाबर आजम के लिए गुड न्यूज़ आ गई है। शुएब अख्तर का मोहसिन नकवी के बारे में क्या कहना था ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और वसीम अकरम बहुत ज़्यादा बरहम है पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी और पाकिस्तान बोर्ड के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस को लेकर क्या रिपोर्ट है, ये सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे मोहसिन नकवी जो कि पंजाब के इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, अब वो पीसीबी के चेयरमैन बन चुके हैं, इंतखाब उनका हो चुका है। मोहसिन नकवी ने चार्ज संभालते ही ऐलान कर दिया कि मैं कोई भी लोकल कोच पाकिस्तान टीम के साथ नहीं रखना चाहता, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में यही है कि मैं कोई फॉरेन कोच लेकर आऊँगा पाकिस्तान टीम के साथ, और मेरी प्रायोरिटी में बाबर आजम जो है वो बेस्ट कैप्टन है तीनों फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पर बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ गई है कि बाबर आजम के जो कैप्टन बनने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा उजागर हो गए। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान टीम के इस टाइम टीम डायरेक्टर हैं और टीम के कोच हैं, उनके बारे में उनकी जॉब जो है वो खतरे में आ गई है। इसके ऊपर शुएब अख्तर का कहना था कि मोहसिन नकवी जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं, उन्होंने पंजाब में बहुत अच्छे काम भी किए, पर यहाँ पे देखते हैं कि वो पीसीबी को किस तरीके से चलाते हैं और वो फॉरेन कोचेस के हामी हैं, और मैं भी चाहता हूँ, शुएब अख्तर का कहना था कि फॉरेन कोचेस पाकिस्तान में आए और वो कोचिंग करें ताकि लोकल कोचेस भी पाकिस्तान के सीखें उनसे चीज़ें और अप्लाई करें पाकिस्तान टीम के ऊपर। और उनके साथ साथ यहाँ पे वसीम अकरम का कहना था कि भाई इतनी जल्दी जल्दी जो बोर्ड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, और अब देखते हैं अब मोहसिन नकवी आके किस तरीके से काम करते हैं। उनका विजन अच्छा है, वो अच्छे के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने पंजाब में डिलीवर करके दिया है, जबकि वो निगरान चीफ मिनिस्टर थे उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सारे काम किए और बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। तो देखते हैं वो पीसीबी को किस तरीके से चलाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को लगता है कि मोहसिन नकवी का जो डिसीजन है वो सही है, बाबर आजम को कैप्टन बनाना चाहिए, और मोहसिन नकवी एज पीसीबी चेयरमैन कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।